नमस्कार दोस्तों, अदानी ग्रुप पे मैं हर रोज़ बातें कर रहा हूँ। कहा जाता है कि हर रात के बाद दिन आती है, हर अंधेरा के बाद उजाला होता है और शाम के बाद सुबह होती है। इसी तरह अदानी ग्रुप के साथ भी हुआ। जनवरी 23 को हेडनबर्ग ने रिपोर्ट निकाली, बहुत सारे एलिगेशन लगाए, मार्केट में कोहराम आया, सारे स्टॉक 50% से नीचे ट्रेड हो रहे थे। लेकिन कल अदानी ग्रुप के लिए बहुत ही अच्छा दिन रहा, क्लीन चिट उसे सुप्रीम कोर्ट से मिल गई और सारे स्टॉक सब पर सर्किट पे बंद हुए, कोई कोई तो 18% 20% सब 5% से ऊपर ही सारे शेयर बंद हुए। और क्या रीज़न था अदानी ग्रुप के शेयरों में, क्योंकि बहुत पीटे हुए सब्स हैं, अभी भी जो भी शेयर हैं करीब करीब 50% मार्केट जो उनका जो 52 हाई था उससे आधे में ट्रेड हो रहे हैं। तो अब क्या अदानी ग्रुप के शेयरों में और तेज़ी बनेगी और क्या रिपोर्ट में कहा गया है, ये समझने की कोशिश करते हैं। बताया गया है कि ऑन दी अदर हैंड अदानी पावर वाइज लॉक एट द अपर सर्किट, 5% सर्किट में लग गया है। वह 248 पर अदानी ट्रांसमिशन आल्सो सिमिलर रिजल्ट, सेटल 825 पे हो गया। तो अपर सर्किट इसमें लगना अब चालू हो गया, अच्छे दिन अदानी का फिर से आना चालू हो गया है। अदानी ग्रुप हैड इट्स बेस्ट सेशन ऑन द बोर्स ऑफ मंडे सिंस रिलीज ऑफ द हेडनबर्ग रिपोर्ट। 10 लिस्टेड फर्म्स रैलिंग एंड देयर क्लेम कंबाइंड मार्केट कैपिटलाइजेशन गोइंग पास्ट 10 लाख करोड़ फिर कर गया है, मतलब 10 ट्रिलियन का मार्क पार कर गया है। आफ्टर सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड पैनल फाउंड नो एविडेंस ऑफ स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन, कोई इसको मैनिपुलेशन का कोई भी नहीं मिला है। द गेन वेयर लेड फ्लैक्सिप अदानी इंटरप्राइज जूम 18% 368 रुपये बढ़ा है, क्लोज टू 2325 रुपया। एमोंग अदर वाइल अदानी विल्मर 10%, अदानी पोर्ट 6%, 729 पे बंद हुआ है। अंबुजा सीमेंट 5%, 423 पे बंद हुआ है। ऑन दी अदर हैंड अदानी पावर वाइज लॉक इन द अपर सर्किट 5% पे 248 पे बंद हुआ है। वेरेज अदानी ट्रांसमिशन आल्सो सो सिमिलर रिजल्ट 825 पे बंद हुआ है। सिमिलर वेल अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी टोटल गैस 5%, NDTV 5%, SEC 5%, 5.5% में बंद हुए हैं। फॉलोइंग दी अक्रॉस द बोर्ड रैली इन द ग्रुप स्टॉक कंबाइंड मार्केट वैल्यूएशन 10 लिस्टेड फार्म का बढ़ गया है 10,16,00,000 रुपया ये बढ़ा है। 2 सेशंस कंबाइंड मार्केट वैल्यूएशन ऑफ द ग्रुप है जम्प्ड 1,14,641 करोड़ बढ़ा है। ऑन जनवरी 23 द डे बिफोर हेडनबर्ग रिपोर्ट वाज रिलीज देयर मार्केट वैल्यूएशन स्टूड 19.2 लाख करोड़। तो जब रिपोर्ट आई थी मात्र 19 लाख करोड़ रह गया था और एक दिन में 1,14,000 करोड़ रुपया इसका बढ़ गया है। द सुप्रीम कोर्ट पैनल इन इट्स रिपोर्ट सेड दैट एट दिस स्टेज टेकिंग इनटू अकाउंट द एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड बाय सेबी सपोर्टेड बाय एम्पिरिकल डाटा प्राइमा फेसी इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर द कमिटी टू कंक्लूड दैट देयर हैज बीन ए रेगुलेटरी फेलियर अराउंड द एलिगेशन ऑफ प्राइस मैनिपुलेशन। सेबी ने क्लियरली कह दिया है कि कोई भी प्राइस मैनिपुलेशन का कोई भी एविडेंस, कोई भी प्राइमा फेसी कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। The high integrity of the member of the panel must given confidence to the investor to buy the beaten down stock. Some short covering also would have been contributed to the rally. However, from the valuation perspective, Adani stocks are not undervalued. VK Vijay Kumar, Chief Investment Strategist, Geojit Financial के ये बता रहे हैं while commenting on the sharp up move seen in the Adani Group stock today. The expert panel further said the market regulator SEBI did not find any pattern of artificial trading or wash trades where connected parties transact in a stock continually with one around another without any intention of actually transfer ownership of the stock during the period when the Adani Group stock saw massive gain in their value. However, the committee added that there was evidence of build-up in short position Adani Group stock ahead of report of the US-based short seller that allegation fraud, stock manipulation and money laundering at the group. Profits were earned from squaring of position after price crashed post publication of its allegation. The committee headed by a former Supreme Court Judge Justice A.M. Sapphire in its report said that
based on the data from SEBI, it show no evident pattern of manipulation. तो अदानी ग्रुप पे जो दुखों का पहाड़ था, जो बुरे दिन थे, वो ख़त्म हो गए हैं. अब स्टॉक सेबी ने भी इन्हें क्लियरेंस दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियरेंस दे दिया है और स्टॉक में जोरदार तेज़ी देखने को मिल रही है. अब आने वाले दिनों में क्या ये तेज़ी जारी रहेगी या यहीं पर रुकेगी, ये देखने वाली बात होगी. तब तक मेरे वीडियो चले लाइक, जय हिंद.